जिसमें गाना नहीं, तो मेरा ख्याल है उर्दू में बात करते हैं इंग्लिश के बजाय, क्योंकि हमारे पास कुछ लोअर स्टाफ के ये पहली सेशन है स्नेक बाइट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। जैसा कि हम सब लोग PSF में मोबिलाइज हो चुके हैं, और मोबिलाइजेशन के बाद जो यहाँ पे सबसे बड़ा हैजर्ड है वो है, क्योंकि हम एक डेजर्ट एरिया में हैं, यहाँ पे स्नैक्स और स्कॉर्पियोज और दूसरे स्पाइडर वगैरह और दूसरे रेप्टाइल और एम्फीबियंस का यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है। तो आज की इस ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट करने का मकसद ये है कि हम अवेयर हों कि हमारे जिस एरिया में कौन कौन से स्नैक्स हैं और उनको हम कैसे पहचानें और क्या हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं स्नैक बाइट और वेनमस इंसेक्ट्स के लिए। तो कंटेंट्स जो हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द बायोडायवर्सिटी इन झंकी विंड कॉरिडोर, व्हाट टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी वी हैव इन दिस। नंबर टू है स्नैक बाइट स्टैटिस्टिक्स, तीसरे नंबर पे है स्नैक इन झंकी विंड कॉरिडोर, फिर है स्नैक बाइट प्रिवेंशन, फिर है साइंस एंड सिम्टम इन केस ऑफ वेनमस स्नैक बाइट, एंड देन लास्ट है वी हैव स्नैक बाइट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। तो इस कंटेंट्स में हमारे पास पूरी एक पिक्चर है स्नैक बाइट के हवाले से, इस पूरे कॉरिडोर में कौन से स्नैक हैं, उनकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट और साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं इन केस ऑफ वेनमस बाइट में। तो सबसे पहले बायोडायवर्सिटी जंभीर में, ये एक सर्वे रिपोर्ट है, उसमें 15 स्पीशीज है मैमल की और उसके अलावा 78 स्पीशीज है बर्ड की और 13 स्पीशीज है रेप्टाइल्स की। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आएंगे। इंट्रोडक्शन में यह है कि ये एक स्टैटिस्टिक्स है पूरी वर्ल्ड का, जिसमें से यह है कि हर साल 55 लाख जो है लोग वो स्नैक बाइट का शिकार होते हैं, और पूरी दुनिया में 2700 किस्म की सांपों की अकसाम है, जिनमें से 500 जो सांप है वो वेनमस है। तो सबसे पहले वेनमस भी जहर वाले, 500 किस्म के जो सांप है वो जहर वाले हैं, बल्कि 1/5 से भी ज्यादा जो स्पीशीज हैं वो नॉन वेनमस हैं। ज्यादातर सांप वो हैं जो के जिनमें जहर नहीं है, जो जहर वाले सांप बहुत थोड़े हैं, और अगर ये काटते हैं तो मोर्टेलिटी रेशियो, अमवात का जो रेशियो है वो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है। तो हमें ये समझना है, यहाँ पे विंड कॉरिडोर में 13 किस्म के स्पीशीज हैं, 13 किस्म के रेंगने वाले जानवर मौजूद हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि क्या ये सांप जहर वाला है, नॉन वेनमस है, बगैर जहर वाला है। हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, टोटल पाकिस्तान में 97 स्पीशीज हैं, 13 रेप्टाइल यहाँ पे हैं। यहाँ पर विंड कॉरिडोर में 3 किस्म के जो स्पीशीज हैं सांप के वो वेनमस हैं, और उनके मैं निशानियां यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे विंड कॉरिडोर में तो आप देख के समझ जाओगे ये जो सांप होगा ये जहर वाला होगा। पहला सबसे होगा वो इंडियन कोबरा। अच्छा, इसकी कोबरा की निशानी ये है, ये पूरी स्नैक फैमिली का वाहिद मेंबर है जिसके पास फन है, ये अपना फन फुला के खड़ा हो जाता है। इस तरह की एबिलिटी किसी और सांप में नहीं है। उनका जो हेड होगा वाइपर्स का, उनका सर छोटा होगा और तिकोना होगा, क्या होगा, छोटा होगा सर और तिकोना होगा, जबकि जो पाइथन्स होंगे उनका सर लंबा होता है। अब ये देखें इसका जो सर है, इसका सर क्या है, तिकोना है, सही है जी। तिकोना जब सर होगा ना और छोटा सर होगा उसको हम बोलेंगे ये जी जहरीला है। इसका जो सर है वो तिकोना नहीं है, ये एनाकोंडा है, सो ये पाइथन है, वाइपर नहीं है, समझ रहे हैं, ये जहर वाला नहीं है। अब इसकी पहली निशानी ये है कि इसका देखो सर तिकोना नहीं है। अच्छा, तीसरा है यहाँ पे सिंध कैरेट, ये जो सांप है ये भी जहरीला है। तो 3 किस्म के सांप हमने बता दिए, एक कोबरा, इंडियन कोबरा, दूसरा वाइपर और तीसरा जो होगा वो सिंध कैरेट, जी सर जहरीला है। अच्छा, इसकी निशानी क्या होगी, इसकी निशानी ये होगी कि इसकी स्किन सारी ब्लैक होगी, और इस ब्लैक स्किन पर इसके ऊपर जो स्ट्रेप होंगे वो 3 कलर के हो सकते हैं, व्हाइट कलर के हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के हो सकते हैं और येलो कलर के हो सकते हैं। तो मेरे इस स्लाइड के एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि इंडियन कोबरा जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में है, इसका मकसद ये स्पीशी दुनिया से खत्म होने वाली है। सबसे पहले हमने एक चीज अपने जहन में बिठा लेनी है, वो जहन में हमने ये बिठानी है कि हम उनके घर में आ गए हैं, ना कि वो हमारे घर में आ गए हैं। ये उनका एरिया था, ये उनका एनवायरनमेंट था, हमने ह्यूमन ने आके उनके एनवायरनमेंट पर इंटरेक्ट करके उनका जो इकोलॉजिकल लिच है, जो उनकी बायोडायवर्सिटी है, हमारे हमारे इंपैक्ट्स हो रहे हैं उनके ऊपर।
अब हम ये सैंपलिंग साइट्स हैं जहां से ये मैंने जिस रिपोर्ट से ये मैंने कलेक्ट किए हैं IUCN और रिसर्च पेपर से, यहां यहां से सैंपल लिए गए थे और ये पूरे जो 13 रेप्टाइल्स हैं जिसमें से अगर आप देखेंगे तो यहां पे किंजर लेक से लिए गए थे, गोगड़ो फिर से लिए गए थे, आजी लखनऊ जाखरो मुराद चांद कासिम बुरफत नियर जोरनो विंड फार्म हाली जी लेक एंड केबी फीडर कैनाल। तो ये वही एरिया है जो हमारे आसपास के हैं और यहां से सैंपल कलेक्ट करके ये पूरी रिसर्च पेपर पब्लिश की गई है। स्नेक बाइट को अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम? अच्छा, इसमें ये है कि जब भी हम ओपन जगह पे जाएंगे जो खुली जगह होगी तो उसमें हमने कोशिश करने के हमारे लॉन्ग पैंट्स होने चाहिए, शूज होने चाहिए और उसके अलावा रात के टाइम हमारे पास एक फ्लैश लाइट होनी चाहिए जिसको हम कैरी कर सकें, और उसके अलावा जहां पे कॉर्नर्स हैं या गैप्स हैं, जहां पे कोई ठंडी जगह है या कोई बंद जगह है, कोई गत्ते पड़े हुए हैं, कोई चीज पड़ी हुई है, कोई कचरा पड़ा हुआ है, उस पर जाने से पहले हम एक बार थोड़ा सा उसको सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि सांप जो है वो इस तरह की जो हिडन जगह होती है उन पर अक्सर तौर पर बैठते हैं। अब जैसे हमने स्नेक देखना है, डोंट डिस्टर्ब इट, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसा नहीं हमने देखा और भाग के जी स्नेक कैचर लेके आ गया, पकड़ो पकड़ो जी पकड़ो। सबसे पहले किसी भी किस्म की इमरजेंसी में पहला रूल ये होता है कि आपने पैनिक नहीं करना। पहले तो अगर हमने सांप देखा तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको पहचाना जाए कि ये वेनमस है या नॉन वेनमस है। तो ये सफाई वालों के लिए चीजें हैं, जब भी आप इस तरह का कचरा या कोई चीज उठा रहे हो तो सबसे पहले आप ये एहतियात करना है कि उसमें कोई सांप वगैरह चीज नहीं बैठे। अब हम आ जाएंगे कि अगर किसी को सांप जहर वाला सांप काट जाए, वेनमस स्नेक काट जाए, तो उसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे? अब ये चीज इसकी निशानियां ये है, जब भी जहर वाला सांप काटेगा तो सबसे पहले वहां पे दर्द होगा, सूज जाएगा, आपको स्वेलिंग होगी, सूज जाएगा, नोजिया चक्कर आएंगे, उल्टी आएगी, सही है सांस लेने में, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है तो वो अंदर जाके लंग्स को अटैक करता है, तो सांस लेने में जो होगी वो प्रॉब्लम होगी और उसका कलर चेंज हो जाएगा। सही है, मैं अभी आपको पिक्टोरियल व्यू दिखाता हूँ किस तरह होगा। अब जिस तरह ये यहाँ पे ड्रॉपिंग आईलेट्स हैं, आंखें बंद हो रही हैं, यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, ये पूरी सूज गई है, यहाँ पे ये देखें ब्लिस्टरिंग हो गई है। तो कहने का मकसद है अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया जहर वाला सांप था या आपको पता नहीं लगा वो काट गया, तो ये जो सिम्टम है इसको देखकर हम फौरन कह सकते हैं कि ये कौन सा सांप था, जहर वाला था, जिसमें से चक्कर आना, उल्टी आना और उसके अलावा ये ब्लिस्टरिंग आईलेट और इस तरह के पैटर्न चेंज हो जाना। अब ये थे साइन एंड सिम्टम्स। अब हम आते हैं हमें करना क्या चाहिए अगर सांप आ जाए। पहली चीज क्या थी कि उसको रिकॉग्नाइज करें, वेनमस और नॉन वेनमस। नॉन वेनमस है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इस तरह बाइट करता है जिस तरह कोई सुई नहीं लगती, डॉक्टर हमें सुई लगाता है, उसके सिर्फ शार्प दांत होते हैं, वो सुई की तरह बाइट करता है, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ वेनमस से खतरा होता है, लेकिन वेनमस में आपको क्या रेशो बताया, 5:1, बहुत थोड़े हैं। तो इसका मकसद है जब भी हम सांप देखेंगे तो 5 बार चांस ये है कि हम वो सांप देखें जो कि नॉन पॉइजनस हो, सिर्फ 1 बार चांस ये होगा कि हम जहरीला सांप देखें। कि अगर कोई चीज पहनी है जिस तरह रिंग वगैरह है या कोई जूते वगैरह पाँव में या कोई चीज पहनी है, शूज वगैरह, उसको हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा जहां से स्वेलिंग वगैरह हो सकती है ना, डर्ट वगैरह रिमूव करेंगे, वॉश करेंगे। अच्छा, इसमें एक आता है, मैं आपको दिखाता हूं, जिसको हम कहते हैं स्नेक किट। अच्छा, ये चीज है जी स्नेक किट। अच्छा, ये क्या है, इसमें देखें सक्शन पंप लगा हुआ है, इसमें 3-4 किस्म के कैप्स हैं, रेजर है और वेब्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास ये जो है अपना ग्लास है, सनी ग्लास है। इसमें क्या होगा, जब भी सांप काटेगा तो अगर वो जहरीला होगा तो मैंने आपको सिम्टम बता दिए हैं, वो 5 मिनट के अंदर अंदर आना शुरू हो जाएंगे। 5 मिनट से लेके 1 घंटा जो होता है, 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम टाइम होता है फर्टिलिटी का। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ पॉइजन इंजेक्टेड इन द बॉडी एंड उसके जो स्नेक होता है उसकी साइज कितनी थी, अमाउंट ऑफ पॉइजन कितना गया है, डिपेंड करता है, वेरी करता है। कोबरा का सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, इस इंजेक्टर को यूज करके इसमें कैप पुश करके लगा के यहाँ पे हमने सक कर देना, और जो फैलने का अमल होगा ना, जहर फैलने का, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, और जो इनिशियल जो जहर होगा अगर इसको 5 मिनट के अंदर अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए, ये सक करता है पीछे से, ये मैं कभी लाऊंगा और हम इस पर भी ड्रिल करेंगे, हम जी जख्म को कट कर दें, कोई निशान लगा दें छुरी से, या सक करने की कोशिश करें, या कॉफी दें, या चाय दें, या अल्कोहल शराब दें, या उसको कोई मकसद उसको
पानी दे सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई बंदा वॉक कर रहा है तो वो बैठ जाए किसी ऐसी जगह पे जो मतलब रिलैक्स्ड हो, और उसका जो हर्ट लेवल हो वो जहाँ पे उसको सांप ने काटा है वो हर्ट लेवल से डाउन हो, हर्ट लेवल से अप ना हो। मिसाल के तौर पर मैं सो जाऊँ ये बेहतर नहीं है बजाय कि मैं बैठ जाऊँ। अच्छा, अब इसमें बैंडेज है, बैंडेज किस तरह करनी है, प्रेशर बैंडेज है, हमने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके उसकी बैंडेज करनी है। ये देखें, इसकी बैंडेज शुरू होती है जहां से बाइट होता है, सही है, वहां से बैंडेज शुरू हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर तक चली जाएगी बिलो द हार्ट लेवल। अच्छा, ये जो चीज उन्होंने की है ना, ये चीज ये मार्किंग होती है, बेसिकली मार्किंग ये होता है कि अगर वो कलर चेंज हो रहा है तो उस पर हम टाइम लिख के मार्क करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने देखो मार्क कर दिया ना, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अगर ये सुबह 9 बजे काटा था सांप ने तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9.00, फिर अगर वो 10 बजे तक ये कलर पैटर्न चेंज होकर यहाँ तक नीला हो गया तो मैं एक लाइन लगा के यहाँ पे लिख दूंगा 10, फिर अगर वो 11 बजे तक चला गया तो मैं यहाँ लिख दूंगा 11। ये मार्किंग होती है, ये आप मकसद जो एम्बुलेंस में मोबिलाइज करते हैं उस वक्त करते हैं। अच्छा, ये जो मैं बता रहा था कि ट्रैक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है और ये मुख्तलिफ टाइम्स में 16 मेरे ख्याल में 50 है, ये 1700 आवर्स है, तो इसमें ये चेंज ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, आइस वगैरह बर्फ वगैरह नहीं लगानी हमने, ठीक है, उसको काटना नहीं है किसी भी छुरी से या किसी चीज से कि भाई सांप को एक काट जाएगा खून निकल जाएगा तो सेट हो जाएगा, ये नहीं करना, और वो जो मूवीज में हम देखते हैं वो सक करने की कोशिश नहीं करनी, सही है जी। और इस तरह हमने प्रॉपरली उसकी बैंडेज करनी है और साफ। अब ये कुछ सवाल हैं, ये मेरे ख्याल में आपसे पूछने वाले हैं क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि ये जो ट्रेनिंग सेशन हो ये इंटरेक्टिव हो, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या हमने आइस रख सकते हैं, बर्फ रख सकते हैं, मैक्सिमम पानी, मैक्सिमम पानी से वॉश कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, बर्फ नहीं रख सकते, सही है जी। Use gut and suck for snake bite. कर सकते हैं और खींच सकते हैं, ठीक है। If remote area, suction snake venom with an extractor. अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे डॉक्टर वगैरह नहीं है तो जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई एक्सट्रैक्टर की वो हम यूटिलाइज करेंगे, सही है। अब ये सिनेरियो है, स्नेक बाइट, दो पंचर, टू पंचर, राउंड ऑन लाइन, व्हाट टू डू। अच्छा, ये मुझे आपने बताना है, सॉरी, एक बंदे को सामने काट लिया, दो पंचर है उसकी टांग पे, क्या करना है? इस ट्रेनिंग सारे सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा, कोई भी एक बंदा मुझे बता दे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बैठने का मकसद है आपको वो चीज समझ आना चाहिए। कौन बताएगा? बैंडेज करनी है हमने, बैंडेज करना, बैंडेज नहीं करना, आप में से कोई बता दे। हाँ जी, आप में से तस्वर आप बताओ, आप में से कोई बताए थे ताम आके को दो गाल ना कि चकणी दे छा करनो सर, बैंडेज करो हो जाए सर, और मतलब बदनिया, हां पचो देनो, पचो देनो, पर। अच्छा, ये कुरान पाक की एक है कि किसी ने एक इंसान को बचा लिया तो उसने जैसे पूरी इंसानियत को बचा लिया। थैंक यू, थैंक यू। ओके, हम कुछ Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.